क्या नीमच के सराफा बाजार में बेचा जा रहा चोरी का सोना, क्या 14 कैरेट गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड बोलकर बेचा जा रहा, क्या स्वर्ण व्यापारी जानबूझकर नहीं बनाते पक्का बिल, नीमच संपादक संजय यादव ने पूछा जिला सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन गोयल से। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन के, बीते कई दिनों से एक ह्यूमर चल रहा है कि नीमच के बाजार में चोरी का सोना खपाया जा रहा है। मांगले आवास राजस्थान में जो पुलिस ने चोरों को पकड़ा था, उनने जो है स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों ने जो माल बेचा है वो नीमच में बेचा है। अभी रतलाम में जो है एक अमृतजर सिंह करके अमृतसर का एक व्यापारी को पकड़ा है, उसका ये कहना है कि हमने नीमच में जो है माल बेचा है, ऐसा पुलिस के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में क्या नीमच में ये माल खपाया जा रहा है? और एक दूसरे ही कवायद से कि 14 कैरेट बोल के जो है सोना बेचा जा रहा है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे नवीन जी गोयल से। नवीन जी, थोड़ा सा बता पाएंगे आपके कि ये क्या ह्यूमर है और क्या कवायद है, और ये मतलब क्या है, सोना है 24 कैरेट 22 कैरेट, और ये जो अफवाह है जहाँ तक चोरी के माल के बारे में कुछ जानकारी आपके माध्यम से भी मुझे मिली, पहले भी बाजार में ये दौर चला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई विशेष बात नहीं है सर। जितने भी आरोप लगे, मैं नहीं समझता कोई आरोप यहाँ सिद्ध हो पाया है। राजस्थान की पुलिस आई थी कई बार क्या होता है सर, चोर कोई निजी अदावत निकालने के लिए या और भी कई कारणों से ये बोल देता है कि फला दुकानदार ने चोरी का माल लिया। अभी तुरंत की ये घटना बताता हूँ, हमारे ज्वेलर्स भाई के यहाँ एक चोर को पकड़ के दो पुलिस वाले श्रीमान आए थे कि 1300 रुपये में कल आपको ये फाइजा भेज गया। चूंकि घटना एक दिन पहले की थी, उसने अपने CCTV कैमरे के माध्यम से पूरा 24 घंटे का उसका जो रिकॉर्डिंग था पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अगर चोर वहां आया होता उस 24 घंटे के घटनाक्रम में, कहीं ना कहीं वो चोर वहां आया होगा। कई मामलों में जो है पुलिस प्रशासन या शासन कहीं भी व्यापारियों पे दबाव बना रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। 6 से 7 व्यापारियों के पुत्र और उनके उनको कहीं ना कहीं बड़ा पता, और इस समय ये भी कहने में आया था कि नीमच के व्यापारियों ने राजस्थान की पुलिस को सेट कर लिया है या कर लिया है। ये तो सब कहानियां हैं सब। जी भाई, ना तो कुछ तरह की चीजें सेट होती है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अपन देखते हैं, ठीक है, कोई तत्कालीन घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए कोई चीज सेटिंग हो जाती है, दिन 2 दिन के लिए हो जाती है, 5 दिन के लिए हो जाती है। मान लो दो इक्वली बयान आए, एक तो जो है रोंडी में जो बंजारे पकड़ाए थे उनका भी कहना है कि हमने वो जो सोना है नीमच बाजार में खपाया है। एक मनिंदर सिंह जो राजस्थान अमृतसर वाले जो पकड़ाए हैं, अभी रतलाम पुलिस ने पकड़ाया है, उनका कहना है कि सब हमने नीमच माल खपाया। सबसे पहले तो मैं बता दूं साहब, जो अमृतसर वाले पकड़ाए हैं शायद मेरी निगाह में जहां तक मैंने पेपर में पढ़ा था वो एक व्यापारी है, वो चोर नहीं है। भाई जो रतलाम वाले जो पकड़ाए हैं वो व्यापारी हैं, हो सकता है उनके पास एक नंबर का व्यापार नहीं करते हो, 2 नंबर से करते हो, या जिस तरह से भी ट्रैक करते हो मुझे जानकारी नहीं, मगर जो मैंने पढ़ा था वो अमृतसर से व्यापार करते हैं और कुछ नाची बाली या सोने के कांटे इस तरह के आर्टिकल लगा के पूरे हिंदुस्तान में कई मंडियों में बेचते होंगे। चलिए, चोरी की बात को आपने नकार दिया, दूसरा जो आरोप है कि 14 कैरेट को 24 कैरेट बोल के बेचा जा रहा है, इसकी सच्चाई? मैं नहीं मानता सर इसमें कोई सच्चाई है। सबसे बड़ा तो क्या है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, ठोस अलाय के रूप में होता है, उससे मोस्टली कोई भी आभूषण आज के दौर के तो बन ही नहीं पाते हैं। ये बात ठीक है कि जो बंजार या समाज है या गाड़ूलिया समाज है या जो पुराने जो परंपरावादी जो गिणा पहनते हैं, मतलब रकम जो परंपरावादी जो रकम पहनते हैं ठोस, वो तो आज भी 24 कैरेट में ही बनती है। जो कानों में बड़ी बड़ी मुर्की जो 10 ग्राम 12 ग्राम की होती है, मगर इसके ठीक विपरीत अपन बात करें कि अपन कोई हार लेते हैं या कोई अंगूठी लेते हैं तो वो 92% हॉलमार्क पूरे बाजार में बिक रहा है। अब इसके बाद अपन ये बाली वाले मीटर पे आते हैं, जो छोटे आर्टिकल हैं सर, जो 1 ग्राम के अंदर होते हैं, नो स्पिन जो होती है या नाक की जो बाली होती है सर, वो 100 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम में बनती है, मतलब 1 ग्राम में 10 पीस और 1 ग्राम में 4 पीस। अब 1 ग्राम में जो 10 पीस बन रहे हैं सर, वो सोना इतना नरम होता है कि अगर उसे आप 92 मतलब कि 22 कैरेट में बनाएंगे तो ना तो उसे ग्राहक पहन पाएगा,
बहुत मुलायम होने के कारण वो जल्दी टूट जाता है। दूसरी बात, उसमें सर स्टोन सेटिंग आ गई। ये ठीक है, कई जानकारी के अभाव में कोई कुछ भी व्यक्त भी दे देता है, उसको अपन सत्य मान लेते हैं। ये कितना परसेंटेज होता है, मतलब आप सबसे पहले अपन आते हैं रियल डायमंड से सर। बहुत छोटी बात कर रहा हूँ मैं, रियल डायमंड जो नीमच मंडी में तो शायद उसका चलन कम है, बाकी अगर बड़े बड़े शोरूम्स में आप जो देखेंगे जो रियल डायमंड की अंगूठी होती है वो मोस्टली आप ये मान लीजिए 78% की होती है। कारण 78% का सोना करना ऐसे मुनाफे में वृद्धि नहीं है, कारण है कि जो उसमें डायमंड सेट किया गया है उस डायमंड की हार्डनेस होती है, और अगर सोने का नरम होगा तो डायमंड थोड़े टाइम में सोने में से अलग होकर गिर जाएगा। ये 24 कैरेट में जो कितना परसेंट होता है? 24 कैरेट का मतलब होता है सर 99.30, मतलब वैसे अपन 100 बोलते हैं चलन की भाषा में, पर 100 तो कोई मेटल होता ही नहीं है, हाईएस्ट ही गोल्ड जो होता है 99.70% है। ये 14 कैरेट का अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 78% बैठ जाता है। मतलब आप एक कैरेट में ये जो 78% जो बता रहे हैं आप, 14 कैरेट है, ये अपने नीमच में नहीं बनता है? नीमच में तो मोस्टली कुछ बनता ही नहीं है। आप ये मान लीजिए कि सोने और चांदी में नीमच में तो मैन्युफैक्चर लाइन छोटी मोटी है। छोटी मोटी किससे कि जैसे कोई आप स्टोन लिया है उसकी अंगूठी बनानी है, या पुराने जो परंपरावादी जो ठोस आर्टिकल होते हैं वो बनते हैं ना, तो इतने यहाँ संसाधन है ना इस तरह के कारीगर हैं, तो ये सारा जो माल है वो बाहर से ही बन के आता है। बड़े आर्टिकल हैं वो कुछ रफ्तार से बन के आते हैं, मगर इसके विपरीत जो अपन जो बात कर रहे हैं अभी 14 कैरेट की, वो मोस्टली नो स्पिन या बच्चों की कान की बाली या इस तरह की चीज़ें होती है। वो सब मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, मैं नीमच की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 90% से ऊपर उसका जड़ है अमृतसर या राजकोट। नवी जी, अभी जो पिछला वाला इंसिडेंट हुआ था, अभी 4-5 महीने राजस्थान की पुलिस लगातार 5-6 महीने फिर ये अभी जो हुआ है, कहीं ना कहीं एक नीमच जो शराफा व्यापार है उसका नाम खराब हो रहा है। कई व्यापारी जो है पुत्रों पर कार्रवाई हुई और कई बहुत सारी चीज आ रही है। इसके अलावा और भी बता दूं आपको, जैसे व्यापारी पुत्र जो हैं वो दूसरे अर्नगल जो व्यापार है उसके अंदर भी उनका जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप पब्लिक के प्रति विश्वास जगाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं? मेरा तो यही कहना है कि जिस भी ट्रेड में आप हो, मैं सराफा से ट्रेड से हूँ इसलिए मैं सराफे की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कोई भी सराफा व्यवसायी को, या मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को, मानव मात्र को अपने आचरण शुद्ध रखना चाहिए। और कमाने के लिए सब बैठे हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि किसी के भी साथ अपन विश्वास को खत्म करें। हालांकि मैं किसी नाम नहीं लूंगा, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनका आ रहा है, फिर ऐसे में सरफेशन कार्रवाई क्यों नहीं करता है भाई? जब तक अगर कोई साक्ष्य नहीं आते, पूरा जिला विश्वास कर रहा है, जब तक कोई साक्ष्य नहीं आते भाई, सुनी सुनी बातों पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। कई लोग अफवाहों का दौर जो जैसा कि मैंने अभी उल्लेख करा कि 1300 रुपये की प्राइस, जब क्योंकि सेकंड डे का मामला था इसलिए रिकॉर्डिंग मिल गई सर। आज अगर मेरे यहाँ कोई आदमी आ जाता है कि 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, तो मेरे पेपर तो मिल जाएंगे, पर मैं उसको सीसीटीवी फुटेज तो बता नहीं सकता। कोई भी व्यापारी अपना सीसीटीवी फुटेज कब तक सेव करके रख सकता है? एक लिमिटेशन होती है राजनीति, कोई महीने भर की रखता होगा, कोई 2 महीने की रखता होगा, कोई 15 दिन की रखता होगा, जितनी जिसके पास हार्ड डिस्क है उतनी ही रख पाता है। तो जो उस घटना में मैंने ये देखा था, कई कई बार क्या होता है कि चोर अपने व्यवस्थित ठिकानों को नहीं बताता है। मैं ये नहीं बोलूँ सब घटना में ऐसा होता है, मगर कई कई घटनाओं में ऐसा भी होता है कि चोर अपने व्यवस्थित ठिकानों को नहीं बताता है और इधर उधर लोगों को कर देता है। उसके पीछे कई बार ये भी हो सकता है वो आपके यहाँ पूर्व में माल बेचने आया और आपने उसको लेने से इनकार कर दिया हो, या ये हो सकता है कि आप उसका कोई राशि शेष, जैसे अपन कहते हैं कि 10,000 रुपये की उपाय जब ले गया, 8,000 वो नगद दे गया, 2,000 उसमें बाकी रखे और आपने उसको सख्त तगादा किया हो, या कोई भी कारण हो सकता है। ये थे हमारे साथ में नवीन जी गोयल, जिन्होंने जो है विश्वास जताया है कि नीमच का व्यापार जो अपने सराफा व्यापार है वो बिल्कुल सही है, और जो जिलेवासी हैं वो इस नीमच के सराफा व्यापार पर जो है विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।